हमने जो मेन मेथड्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पर आपका जो मेन पोर्शन है वो ख़त्म होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यूज़ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हैं, जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी जिसे अबॉर्शन कहते हैं, तो इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फुल टर्म यानी कि प्रेगनेंसी जो 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड है वो कंप्लीट होने के पहले ही अगर जो प्रेगनेंसी है उसे ख़त्म किया जा रहा है तो उसे ही एमटीपी कहेंगे, या इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी इसे कह सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज़। लेकिन कोई पर्सन इसका मिसयूज़ ना कर सके। इंडिया में फीमेल फिटिसाइज यानी कि कन्या भ्रूण हत्या बहुत प्रचलन में थी, तो भी गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग जो उसने 1951 में लागू किया था तो उसके ही तहत आगे चल के 1971 में एमटीपी को जो है लीगलाइज गवर्नमेंट को करना पड़ा। लेकिन इसे स्ट्रिक्ट कंडीशन में लीगलाइज किया गया यानी कि मेडिकल इसे इसीलिए जो अबॉर्शन है बट उसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक टर्म भी दिया गया। और ये केवल और केवल कब किया जा सकता है, अगर जो फीमेल की बॉडी में जहाँ चाइल्ड डेवलप हो रहा है उस फीमेल की लाइफ को कोई थ्रेट है, या जो चाइल्ड डेवलप हो रहा है उसकी लाइफ को कोई थ्रेट है तो एमटीपी हो सकता है, या ऐसी चांसेस है कि जो चाइल्ड डेवलप हो रहा है उसमें कोई जेनेटिक डिजीज़ सीवियर केस में डिटेक्ट हो गई है पहले ही तो भी एमटीपी की जा सकती है। एमटीपीस एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल आइदर टू द मदर और द फीटस और बोथ। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, यानी कि अगर आप 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड देखें तो फर्स्ट 3 मंथ्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा गया, केवल उस दौरान ही जो ये है सेफ होती है यानी 12 वीक्स तक ही। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर ऐसा किया जाए तो ये बहुत ही रिस्की हो सकता है, इसलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर को इसके लिए सेफ पीरियड नहीं माना गया है। अ डेंजरस ट्रेंड बट बिसाइड्स आफ्टर मेकिंग सो मेनी लॉज अ डेंजरस ट्रेंड इज़ द मिस यूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस से ये पता लगा लिया जाता है कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसका सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है, और फिर एमटीपी यानी कि इंड्यूस अबॉर्शन से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे किल कर दिया जाता है अगर ये पता चल जाए कि वो फीमेल है। और यही कंडीशन फीमेल फिटिसाइड है, क्योंकि इंडिया में ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। तो टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड इसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे कि क्या कहा जाता है, एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में क्या करते हैं, कैसे ये यूज़ की जाती है, तो एमनियोसेंटेसिस इज़ द प्रोसेस टू डिटरमाइन एनी प्रीनेटल डिसऑर्डर, यानी कि जब गर्भ में बच्चा पल रहा उसी समय कोई हेरेडिट्री या कोई और डिसऑर्डर सीवियर पता चलती है तो क्या किया जा सकता है, उसे हटाने के लिए ही एमटीपी की जाती है। तो एमनियोसेंटेसिस को भी इसी में उसी के अंतर्गत आती है एक एडिशनल हेल्प के लिए कि जो चाइल्ड है उसकी सेल्स का टेस्ट करने के लिए, उसका जेनेटिक टेस्ट करने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं एमनियोसेंटेसिस में, क्या करते हैं एक पतली निडिल लेकर के उसे एब्डोमेन में इंसर्ट किया जाता है मदर के एब्डोमेन में, और जो मदर का यूट्रस है उससे एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया जाता है। एम्ब्रियो को घेरा हुआ जो एमनियोटिक फ्लूइड है उससे वो कुछ फ्लूइड इंजेक्शन के माध्यम से निकाल लिया जाता है, सिरिंज जैसे कि आपकी बॉडी से ब्लड ब्लड टेस्ट के टाइम पर निकाला जाता है, ठीक उसी तरीके से एब्डोमिनल रीजन में सिरिंज लगा करके माँ की बॉडी से कुछ एमनियोटिक फ्लूइड जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके चारों ओर उसे कवर करने वाला फ्लूइड होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो सिरिंज में ले लिया जाता है। फिर इस जो फ्लूइड होता है एक्चुअली इस फ्लूइड में जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसकी बॉडी से कुछ सेल्स टूट टूट कर गिरी हुई होती हैं, और वो सेल्स जो हैं वो इस एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होती है, और इन सेल की स्टडी की जाती है। अगर इन सेल्स में बार बॉडी प्रेजेंट है तो ये पता चलता है कि ये फीमेल है, और अगर बार बॉडी प्रेजेंट नहीं है, सेल के न्यूक्लियस के पास एक स्पॉट सा दिखता है जिसे बार बॉडी कहते हैं माइक्रोस्कोप से देखने पर, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप सामान्यतः लैब में यूज़ किए जाते हैं उनमें भी बार बॉडी देखी जा सकती है। तो क्रोमोसोमल पैटर्न से भी और कंफर्म किया जाता है जो एमनियोटिक फ्लूइड में है।
कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो मेल है कि फीमेल, फीटल। तो इस तरीके से फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो एम्नियोसेंटेसिस से किया जा सकता है बाय लुकिंग बार बॉडी एंड बाय स्टडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन सेल्स प्रेजेंट इन एम्नियोटिक फ्लूड रिमूविंग फ्रॉम द सराउंडिंग एम्ब्रियो। और यही जो टेक्निक है, इसी टेक्निक को, बस इसी टेक्निक को एम्नियोसेंटेसिस कहते हैं। क्या है कि ये मदर वूम में क्या है कि ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, इस एम्ब्रियो के चारों ओर एक फ्लूड भरा होता है जिसे एम्नियोटिक फ्लूड कहते हैं, और मदर की बॉडी में सिरिंज के माध्यम से ये फ्लूड जो है वो मदर की बॉडी से ले लिया जाता है और फिर इसी फ्लूड की स्टडी की जाती है। इस फ्लूड में अगर बावर बॉडी है कि नहीं देखा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में पता चल जाता है। तो बार बॉडी है तो ये फीमेल है, और अगर फीमेल है तो आगे कुछ लोग क्या करते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं ताकि लड़की को ना पालना पड़े। तो इस तरह की जो सोशल इश्यूज़ हैं इनको भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। इसके लिए इफ़ेक्टिव काउंसलिंग जो है वो क्या करी जा सकती है, और लोगों को धीरे धीरे अवेयर करना होगा कि जो चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों ही एक बराबर ही होते हैं। और इसके साथ ही ये आपका एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो मैंने पार्ट टू तैयार किया आपके लिए, जो बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन सोशल इश्यूज़ भी थे और जो आपका सब्जेक्ट है वो भी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर जो कुछ इमेजेस आपने देखी, कुछ एनसीईआरटी से ली गई थी और कुछ इमेजेस जो हैं वो गूगल से, बहुत डिफरेंट साइट्स मैंने यूज़ की हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज ऑथर्स एंड वेबसाइट्स एंड एक्नॉलेज देम हेयर। ओके स्टूडेंट्स, सो मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो विथ पेशेंस। यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेरी। ओके, थैंक यू।